जंगल में मगरमच्छ और पशुपालक की आधे घंटे तक चली लड़ाई। एक पैर एवं हाथ गंभीर जख्मी, पशुपालकों ने उसे बचाया। भागलपुर जिले के बसेडांग थाना क्षेत्र के कस्बा नगर पंचायत के गांव कल सोमवार को चंबल नदी में पशुओं के साथ नहाने गए पशुपालक पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला कर दिया। मगरमच्छ और पशुपालक की आधे घंटे तक जमकर लड़ाई चली। पशुपालक की चीख पुकार सुनकर अन्य पशुपालक मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मगरमच्छ को पत्थर एवं डंडे मारकर पशुपालक को मुक्त कराया। गंभीर अवस्था में घायल पशुपालक को परिजनों ने धौलपुर शहर के दर्शन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों ने बताया कि 45 वर्षीय करवा पुत्र नथा सिंह सोमवार को जंगल में पशुओं को चराने गया था। पशुओं को चराते समय पानी पिलाने चंबल पास नदी में ले गया। पशु चंबल नदी में पानी पीने लगे। इसी दौरान पशुपालक गुरु पूर्णिमा होने के अवसर पर पर्व लेने के उद्देश्य से चंबल नदी में उतर गया। इसी दौरान घात लगाकर विशाल मगरमच्छ ने पशुपालक पर हमला कर दिया। मगरमच्छ ने किसान के एक पैर को बुरी तरीके से जकड़ लिया। मगरमच्छ और किसान में पानी में ही जंग छिड़ गई। करीब आधे घंटे तक दोनों में जमकर फाइट देखी गई। मगरमच्छ ने पशुपालक के एक पैर और एक हाथ को बुरी तरीके से घायल कर दिया। पशुपालक की चीख पुकार सुनकर अन्य पशुपालक मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने साहस का परिचय देते हुए मगरमच्छ को पत्थर और डंडे मारकर किसान को मुक्त कराया। गंभीर अवस्था में घायल पशुपालक को परिजनों ने शहर के दर्शन हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। चिकित्सक मनोज त्यागी ने बताया कि पशुपालक का एक पैर और एक हाथ गंभीर रूप से डैमेज हुआ है। पैर की नस पूरी तरीके से कट चुकी है। उन्होंने बताया कि नसों को जोड़कर ऑपरेशन सफल करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पशुपालक का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर मनोज त्यागी, निदेशक दर्शन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर धौलपुर। आज हमारे पेशेंट आया करुआ, उसके पिताजी का नाम है लतार सिंह, ये नगर का रहने वाला है। आज ये चंबल के आधार कोई भैंसों को चराने गया, भैंसें पानी में चले गई, उनको निकालने गया। जब निकाल रहा था तो किसी मगरमच्छ ने इसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा तो मरीज चिल्लाया, ये आदमी चिल्लाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, तो बचाने के लिए इसको मगरमच्छ से खींचा और मगरमच्छ खींच को ले तो आए, लेकिन इसका पैर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हाइट वाला जो पैर है ना, कम से कम 5-7 जगह से क्षतिग्रस्त है, सारी नसें कटी हुई हैं उसकी। राइट वाला हाथ भी डैमेज है उसका, उसका अर्जेंट हमने ऑपरेशन किया है, उसकी नसों को जोड़ा है और पैर को सेव करने की कोशिश की है, तो शायद पैर उसका बच जाएगा।